गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मानसून आ गया है और बारिशों का मौसम में क्या होता है कि हमारे प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बारिश का मौसम अभी अभी बस शुरू ही हुआ है हमारे यहाँ, तो बस एक दिन बारिश हुई है। तो अगर बारिश का मौसम आ गया है तो हमें क्या क्या काम करना चाहिए अपने प्लांट्स में, जिसके कि हमारे प्लांट बारिश की वजह से ख़राब ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये देखिए ऐसे ऐसे जो घास हमारे गमलों में हो गई है ना, इनको पहले हटा लेना है। इस तरीके से ये सारी घास को आप निकाल दीजिए ताकि इनकी वजह से पानी रुके ना। प्लांट की जड़ें पानी रुकने से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इन प्लांट से इन घास को हटा दीजिए। और उसके बाद आपको दूसरा काम जो करना है वो इसका ड्रेनेज होल चेक करना है। वैसे तो मैंने पिछले साल ही किया था, तो इस साल इसका ड्रेनेज होल प्रॉपर है। ये देखिए यहाँ पर इसे जड़ें बाहर नहीं आई हैं और ना ही ये ब्लॉक है। आपका जो भी प्लांट अगर ब्लॉक है तो आप इस तरीके से कोई लकड़ी या स्क्रू ड्राइवर लेकर इसको आप अच्छे से क्लीन कर दीजिए इस तरीके से। और दूसरा काम जो आपको करना है वो क्या करना है कि प्लांट्स को आपको सेग्रीगेट करना, अलग करना है। मतलब जैसे कि आपको सकलेंट है, सकलेंट को आपको बारिश में बिल्कुल नहीं रखना है। जैसे ये जेड हो गया, ये देखिए अब इस तरीके के जो भी सकलेंट हैं, ये जेड हो गया या फिर ये देखिए ये हो गया, ये देखिए ये ट्राइंगल हार्ड पाइन है। ये देखिए इन सारे सकलेंट, जैसे कि आपके बाकी सकलेंट से मैं आपको दिखा देती हूँ, इन सारे प्लांट्स को आप छाया में रखिए। इन प्लांट्स को बारिश का पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, और बारिश के पानी से क्या होता है कि यहाँ पर इनकी लीव्स के पास पानी इकट्ठा हो जाता है और ये प्लांट गलने लगता है। इसलिए आप इन प्लांट्स को अलग छाया में रखिए जहाँ पे बारिश का पानी ना आता हो। और अगली बात, अगर आपने अपने प्लांट्स के नीचे ऐसे ड्रेनेज प्लेट लगा रखा है इस तरीके से, या फिर बड़े गमलों में भी आपने अगर ड्रेनेज प्लेट लगा रखा है, तो सबसे पहले उसे निकाल लीजिए। क्योंकि अगर आपने ड्रेनेज प्लेट नहीं हटाई तो पानी यहाँ पर जमा हो जाएगा, और पानी के जमा होने से क्या होगा कि प्लांट को एक्स्ट्रा पानी मिल जाएगा। प्लांट्स की रूट्स पानी लेते रहेंगी और गलने का डर हो जाएगा, जिससे प्लांट्स को मरने का डर हो जाता है। इसलिए अगर आप इनको हटाकर, आपके पास प्लेस नहीं है कहीं रखने का, तो मैं क्या करती हूँ, इनको पलट देती हूँ और उल्टी साइड ऐसे रख देती हूँ, तब इसमें पानी नहीं रुकता है। और अगर प्लेट में पानी जमा हो जाता है तो मच्छरों के होने का भी खतरा हो जाता है। बारिश के मौसम में बहुत मच्छर हो जाते हैं, और इसलिए प्लेट्स को आप, ड्रेनेज प्लेट्स को आप उल्टा करके रख लीजिए। और अगर आपके इंडोर प्लांट्स हैं तो उनको भी आप बारिश के पानी में एक दिन के लिए ज़रूर रखिए, क्योंकि बारिश के पानी बहुत रिच होता है, बहुत हेल्दी होता है। प्लांट्स चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, सारे प्लांट्स को बारिश का पानी बहुत पसंद है। बारिश के पानी में इतने न्यूट्रिशंस होते हैं कि जिनसे प्लांट बहुत हेल्दी होता है। इसलिए आप इनको बारिश का पानी, जैसे आपके सकलेंट हैं, एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको देती हूँ, अगर आपके सकलेंट हैं आप उनको पानी बारिश में नहीं छोड़ सकते, तो आप क्या कीजिए, बारिश के पानी को इकट्ठा कर लीजिए और उस बारिश के पानी को आप मग से उनको सकलेंट को दीजिए। एक से दो बार आप ज़रूर रेनी सीजन में उनको बारिश का पानी दीजिए, बहुत हेल्दी आपके प्लांट रहेंगे। बिलीव करिए, बहुत बहुत हेल्दी रहेंगे। और नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, जैसे आपके आउटडोर प्लांट हैं, वैसे मेरे पास अभी यहाँ पर आउटडोर प्लांट नीचे नहीं है, मेरे सारे आउटडोर प्लांट जितने हैं वो छत पे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी धूप आती है। तो आपको क्या करना है कि जब आपके जितने भी आउटडोर प्लांट्स हैं उनकी मिट्टी को पूरा कवर कर देना है, यहाँ तक ऊपर तक आप जब भर देंगे तो इसमें बारिश का पानी जमा नहीं होगा और आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। और मिट्टी भरने से आसानी हो जाती है, बार बार आपको जाकर पानी खाली नहीं करना पड़ता है। वैसे अगर आपने मिट्टी नहीं भरी है तो आपको क्या करना होगा कि आपको बारिश का पानी, जब बारिश ख़त्म हो जाए तो आपको जाकर ऐसे हटाना पड़ेगा। और आपने अगर खाद नहीं दी है तो इस मौसम में खाद मत दीजिए, क्योंकि खाद देने का कोई फ़ायदा नहीं है, खाद बारिश के पानी के साथ बह जाएगी। आप खाद पानी दीजिए, या तो आप खाद इसको लिक्विड खाद दीजिए, जब आपको दिखे मौसम दो तीन दिन के लिए साफ़ है तभी आप दीजिए। लेकिन मानसून में तो कुछ पता नहीं होता कि मौसम कितने दिन के लिए और कितने घंटों के लिए साफ़ हुआ है, इसलिए आपको खाद इसको अप्रैल में दे देनी चाहिए थी। अगर आपने नहीं दी है तो कोई बात नहीं, आपकी आपने जब सॉइल मिक्स बनाया होगा वो तो उसमें तो आपने खाद डाली होगी, तो प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। बारिश में वैसे भी खाद का उतना नीड नहीं रहता है। और अगर दो तीन दिन लगातार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्लांट को
नीचे से यहाँ पर कवर कर देना या फिर इनको सड़ी एरिया में रख देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी तो सभी के लिए नुकसानदेह ही है। इसलिए जब अगर बहुत ज़्यादा मानसून और बहुत लगातार बारिश, तेज़ बारिश हो रही है और प्लांट को डर है कि वो ख़राब हो जाएगा, तो आपको क्या करना है कि इसको कवर करना है। यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक से ये इतना हिस्सा कवर कर देना है ताकि ऊपर प्लांट को धूप और हल्की धूप हवा सब लगते रहे, जिससे प्लांट मरे नहीं। और उसके बाद नहीं तो ऐसा लगेगा कि हमने इसका गला घोट दिया है इसको पूरा कवर करके। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर सॉइल में यहाँ पर कट लगा के प्लास्टिक को, आपके पास जो भी घर में प्लास्टिक अवेलेबल है वो उसको यहाँ पर कवर कर देना है, ताकि इसकी सॉइल में पानी ना गिरे और प्लांट सर्वाइव करते रहे। उम्मीद करते हैं कि ये सारे टिप्स आप भी फॉलो करोगे अपने गार्डन में और रेनी सीजन में हरे भरे प्लांट्स का मजा लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।